निवडणुकीनंतर राजकीय नेत्यांच्या संपत्तीमध्ये अल्पावधीतच होणाऱ्या भरमसाठ वाढीबाबत माहिती असल्यास पुराव्यासह तक्रार नोंदवा, आठवड्याच्या आतच कारवाई करू, असं स्पष्ट उत्तर राज्याचे मुख्य आयकर आयुक्त अमरेश चंद्र शुक्ला यांनी काल आयकर विषयावर आयोजित एका चर्चासत्रात बोलताना माहिती दिली आहे. निवडणुकीनंतर राजकीय नेत्यांच्या संपत्तीमध्ये अल्पावधीतच होणाऱ्या भरमसाठ वाढीबाबत माहिती असल्यास पुराव्यासह तक्रार नोंदवा, आठवड्याच्या आतच कारवाई करू, असं स्पष्ट उत्तर राज्याचे मुख्य आयकर आयुक्त अमरेश चंद्र शुक्ला यांनी काल आयकर विषयावर आयोजित एका चर्चासत्रात ऐनवेळी विचारलेल्या प्रश्नावर दिलाय. नगरची CA इन्स्टिट्यूट, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि उद्योजकांच्या आमी यांच्या संयुक्त विद्यमानं परस्पर संवादावर आधारित या चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पुणे विभागाचे आयकर आयुक्त सत्यकाम शर्मा, इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष CA प्रसाद भंडारी, मराठा चेंबर्सचे अध्यक्ष अरविंद पारगावकर, आमीचे अध्यक्ष अशोक सोनवणे, राजेंद्र कटारिया, प्रकाश गांधी, किरण भंडारी, ज्ञानेश कुलकर्णी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. आयकर आयुक्त शुक्ला यांनी यावेळी अध्यात्म, योगा, ध्यान आणि आयकर या तीनही विषयांची सांगड घालून लोकांना प्रामाणिकपणे आणि न घाबरता आयकर भरण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचं आवाहन केलंय आणि सभागृहातच 15 मिनिटाच्या ध्यानाचं प्रात्यक्षिकही दिलंय. आज का प्रोग्राम चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट अहमदनगर ब्रांच, मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आमी के संयुक्त तत्वावधान में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका उद्देश्य अहमदनगर और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में कर निर्धारती की संख्या बढ़ाना था, वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन और चैम्बर्स एसोसिएशन से मिल करके स्ट्रेटजी तैयार की है जिसको प्रिंसिपल कमिश्नर और रेंज हेड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. यूजर फ्रेंडली होने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पेज का फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है सरल, जिसको आसानी से भरा जा सकता है और इस रिटर्न फॉर्म को भरने के लिए हमारे दफ्तर में और अहमदनगर में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए. ऐसा होता है नहीं, ऐसी कोई कठिनाई हमारे नॉलेज में नहीं लाई गई है और ऐसी क्योंकि सिस्टम में जो हमारा प्लेटफॉर्म है रोबस्ट है और सब लोग घर बैठे भर सकते हैं. बैंक KYC में कर रहे हैं. हाँ, हाँ. तो उसकी क्यों है, ये क्यों किया जा रहा है ये सर? नहीं, ये तो बैंकों से पूछिए क्यों किया जा रहा है, उनको उसका उत्तर बैंक देंगे क्योंकि बैंक उसको कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है. या चर्चासत्रात स्थानिक व्यापारी असोसिएशनचे सदस्य मदनलाल ओसवाल यांनी जाहीरपणे देशात सर्वसामान्य नागरिक भीतीने का होईना पण कर भरतात, परंतु राजकीय नेते मात्र निवडून आल्यानंतर थोड्याच दिवसात प्रचंड संपत्तीचे मालक होतात, त्यांना मात्र कोणीच का विचारत नाही. गेल्या कित्येक वर्षात 1-2 अपवाद वगळता कोणत्याही राजकीय नेत्याविरुद्ध आयकर विभागानं कारवाई केल्याचं उदाहरण नाही, ही विसंगती का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना शुक्ला म्हणाले, आपल्या 35 वर्षांच्या कार्यकाळात 2 खासदार आणि 1 मंत्र्यांची चौकशी मी केलेली आहे. तुमच्याकडे किंवा आणखी कोणाकडेही अशा पद्धतीनं अल्पावधीत श्रीमंत झालेल्या राजकीय नेत्यांची माहिती असेल तर ती पुराव्यानिशी माझ्याकडे द्या. एकाच आठवड्याच्या आत संबंधितांविरुद्ध निश्चितच योग्य ती कारवाई केली जाईल. आपल्या देशात लोक स्वतःच्या दुःखानं नाही तर इतरांच्या सुखानंच जास्त दुःखी होतात, अशी टिप्पणीही त्यांनी यावेळी केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आयकर रिटर्न दाखल करताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी विभागानं शिबिरे भरविण्याचं नियोजन केलं असून या शिबिरांमध्ये CA इन्स्टिट्यूट, आमी आणि मराठा चेंबर्स तसेच आयकर विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार आयकरदात्यांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी दर बुधवारी दुपारी 3 ते 4 या वेळेत कोणीही सामान्य नागरिक आपल्या शंका आयकर अधिकाऱ्यांना विचारून त्याचे निरसन तात्काळ करू शकतील. कर जो भी आपका कर योग्य आय है उस पे जो उचित कर देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है क्योंकि लोगों द्वारा दिया गया आयकर राष्ट्र निर्माण में काम आता है, तो एक पुनीत कर्तव्य है, तो सबको इस कर्तव्य को अच्छी तरह निभाना चाहिए. इसके संबंध में जो भी कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए, जानना चाहते हैं
वो सारी सुविधाएं हमारे हर दफ्तर में उपलब्ध हैं। PRO से मिल सकते हैं, रेंज हेड से मिल सकते हैं, और इसी सिलसिले में मैंने ऐसा निर्देश दिया है कि हर बुधवार को 3 बजे से 4 बजे के बीच में किसी भी इनकम टैक्स ऑफिस में किसी भी कर्मचारी अधिकारी से कोई व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के मिल सकता है अपॉइंटमेंट की। तो लोगों को टैक्स कंप्लायंस को सहज बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने बहुत से कदम लिए हैं। सारा का सारा टैक्स सिस्टम ऑटोमेटेड हो गया है, ढेर सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध हैं, घर बैठे रिटर्न भर सकते हैं, एक पेज का सरल फॉर्म है। जो भी सूचना, जो भी दिक्कत आ रही है आपको डिपार्टमेंट से चाहिए, वो सब हमारे कार्यालय में उपलब्ध है। इवन ईमेल आईडी है जिसको जिसमें क्वेरी पूछी जा सकती है। तो सरकार सारे टैक्स पेयर्स को जो भी सुविधा चाहिए, बंदी के बाद जो भी टैक्स जमा हुआ है और जहां भी हमने डाटा एनालिटिक्स इस्तेमाल करके इंक्वायरी की आवश्यकता है वहां पर इंक्वायरी हो रही है, और जो भी पैसा जिसका स्रोत नहीं मालूम है या अनएक्सप्लेन्ड है उसको टैक्स करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और GST का जो है प्रावधान किया गया है, सरकार ने किया है, तो उसमें से भी टैक्स बराबर आ जाएगा इनकम टैक्स को? नहीं, GST हमारा आपका नहीं है मालूम है, लेकिन 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 ये बात समझने की है कि GST में जो भी आवश्यक क्लेरिफिकेशन है लगातार सरकार उनको जारी कर रही है, और टीथिंग ट्रबल्स जो थे उनको सॉल्व करने के लिए भरपूर प्रयास किए गए हैं। हमको ऐसा लगता है कि जो GST का सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है वो ये है कि इकोनॉमी का जो फॉर्मल सेक्टर है वो बढ़ेगा, और उससे अपने आप इनकम टैक्स में जो कर बेस है उसको वाइडनिंग करने में सुविधा होगी। यावेळी सर्वश्री सत्यकाम मिश्रा, अरविंद पारगावकर, अशोक सोनवणे यांची भाषणे झाली। हमारे प्रधान मुख्य आयकर महोदय जो है न केवल आयकर के बल्कि अन्य बिंदुओं के भी बहुत विद्वान हैं। वो बहुत सारे लंबे ढंग से अच्छे ढंग से आप सब लोगों को इन सभी बिंदुओं पर समझाएं बताएंगे और समझाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, चूंकि अहमद नगर रेंज का जो है मेरे प्रति जो है जिम्मेवारी है, कि समय की मांग यदि आप लोग ध्यान दें, पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरह से आर्थिक जगत में सरकार की दृढ़ नीति, सरकार की मनसा जिस तरह से दृढ़ता के साथ अभिव्यक्त की गई है, उसमें जरूर करदाताओं को, हम सबको बहुत सारी कभी कभी अड़चने आई, तकलीफ भी हुई, लेकिन सब में यदि आप देखें तो एकमात्र संदेश इस बात का है सरकार का कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक आयकर दाता आएं, काला धन खत्म हो सिस्टम से, और अधिक से अधिक लोग टैक्स दें, नेटवर्क में आए, और इस मंशा को ध्यान में रखते हुए यदि आप देखें तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम आया जिसमें सरकार ने सबको ये अवसर दिया कि इतना 45% टैक्स भर करके जो है आप मुक्त हो जाओ, काला धन खत्म हो, और काला धन खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट के भारत सरकार की बहुत सारी वो हैं, लेकिन आयकर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव और एक्टिव रूप से काम करने वाला डिपार्टमेंट। अभी आप लोग देखें बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट भी आ गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने अहमदनगर रेंज के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सभी करदाताओं से, सम्मानित करदाताओं से हम यह अनुरोध करना चाहेंगे कि जितना नियमतः आपका जो टैक्स बनता है, जितना उचित टैक्स बनता है, उसको प्लीज जरूर भरिए, जरूर दिखाइए, अन्यथा जो है मतलब तकलीफ ना हो जो मैं नहीं चाहता। All other income tax officer, chartered accountants, all the dignitaries calling in my committee and all the stakeholders. At the outset, I welcome all the dignitaries for this session, interaction
with the apex authority of income tax as far as our region is concerned, Sri A.C. Shukla sir. See, as far as income tax is concerned, पहले से अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आता है, एक आयरनी नजर आती है. ऑल सीनियर प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल जानते हैं कि 73-74 तक जो इनकम टैक्स का रेट है वो सब ऑल सरचार्ज सेस मिला के लगभग 97% तक जाता था. तो वो टाइम पे ये समझ सकते हैं कि सिटीजन्स एवरी फैमिली एवरी बिजनेस हैज गॉट सम काइंड ऑफ बैलेंस शीट टू बी डन. वी कीप अकाउंट्स ऑफ आवर अर्निंग्स एंड स्पेंडिंग. सिमिलरली नेशन हैज आल्सो गॉट सिमिलर काइंड ऑफ बैलेंस शीट. इट हैज आल्सो गॉट सम earning and it has also got spending. Country has got earnings through GST, say Indian GST, Central GST, State GST, corporate tax, and similarly for individuals, income tax, and there are some other more taxes also. And they spend money on various services like health, education, services like transportation, and defense, etc. So whenever we are running our business, whenever we are running our houses, we need to have earnings and spendings of equivalent nature, otherwise balance will go. Same thing happens with nation. If we do not pay taxes in time, we do not pay taxes at all. Naturally, that balance is... ...ek tarpi prem mantu na pantya pramani. Departments want to go to closer to the people. People don't want them to come near. It is like this. I say department say, hum chahate ki humara chutkara ho jaye. Department chahta hai wo hum unke kabje mein aa jaye. The same situation was with the excise department 10 years back. Aur uske bare mein lot of changes happened in the procedures of the calculations, in the collection of the tax and many things. And baad mein aisa hua ki एक्साइज डिपार्टमेंट हमें कुछ लगता नहीं था. हम चाहते थे इट इज अ रेगुलर प्रोसीजरल वर्क है या रेगुलर टैक्स है. आदमी टैक्स भरना चाहता है. आई डोंट थिंक दैट पर्सन नॉर्मल पर्सन डोंट वांट टू इवेट द टैक्स. लेकिन जो क्लिष्टता उसमें है, जिस तरीके से उसको वो टैक्स पेयर को ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग होता है, ये सब चीज़ों की वजह से वो आदमी टैक्स को डरता है. और सेम थिंग इज विद द इनकम टैक्स. सो अभी हमारा ये सब डर निकालने के लिए, जैसा मिस्टर पारगावकर टोल दैट मोस्ट ऑफ द पीपल शुड कम इन द इनकम टैक्स नेट एंड लाइक बेल्जियम, वी ऑल्सो शुड गेट अ क्वालिटी लाइफ. बिकॉज इफ वी पे द टैक्स देन ओनली वी विल बी गेटिंग द सर्विसेज, वी विल बी गेटिंग द सेफर लाइफ, वी विल बी गेटिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ द लाइफ. तो ये सब करने के लिए प्रसाद भंडारी यांनी प्रास्ताविक केलं, ज्ञानेश कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केलं, तर किरण भंडारी यांनी आभार मानलेत. यावेळी संयुक्त आयकर आयुक्त अभिषेक मेश्राम, पुण्याचे संयुक्त आयकर आयुक्त सम्राट राही, नगरचे सह आयकर आयुक्त प्रशांत गांधले आणि आयकर अधिकारी हेमलता पारखे, स्मिता भालेराव, बशीर सय्यद, रामदास बोधले, विजय गायकवाड आदी उपस्थित होते. प्रतिनिधी शशी लाटे, ब्युरो रिपोर्ट, अहमदनगर.